गाइस देख सकते हो आप लोग, ये है चिकन। अब ये डलाएगा भाई इसमें। ये चेक करें गाइस, ये गाइस जो कल मैं मुर्गियां लाया हूँ, आज उसका बनाएंगे तंदूरी चिकन। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को पता लगी कि आपको इतना बॉम्ब बनाएंगे तंदूर में, फुल तंदूर में तंदूरी चिकन बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो चलो पहले बाथरूम में मुर्गियां को ले जाते हैं, उसको ज़बह करते हैं गाइस, उसके बाद उसका तंदूरी चिकन बनेगा आज और सब में बटेगा, ठीक है। सो गाइस हमारी छुरी जो है फुल तेज़ हो गई है गाइस। चलो आओ मुर्गियां निकालते हैं, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे यार अबे भाई, ये तो यार बहुत ही जानदार है। सो गाइस फाइनली हमारा जो मुर्गा है, मुर्गी थी, वो पूरी तरह से कट गई है, छिल गई है। आप लोग देख सकते हो ये पूरा होल चिकन हो गया है। इसको जो सादा रहता है ना ऐसे, इसको होल चिकन बोलते हैं। अब गाइस इसमें लगाने हैं मुझे कट्स। सो गाइस चेस्ट पे 3 कट्स लगाने होते हैं, एक डीप कट, गहरा गहरा कट लगाना होता है कि बिकॉज़ अगर आप लोग कट्स गहरा नहीं लगाते हो तो मसाला अंदर तक नहीं जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे कट, थाई पे कट, ठीक है, यहाँ कट। और गाइस ये टांग के ऊपर जो नस होती है ना, इसको भी काट दिया जाता है चारों तरफ से, क्योंकि ये रोस्ट होने के बाद सिकुड़ती है। अगर ये नहीं काटोगे तो सिकुड़ेगी नहीं, मसाला पूरी तरह से घुसेगा नहीं, ठीक है। तो गाइस चिकन होल चिकन पे मैंने पूरा कट्स लगा दिए। अब जो है मसाला का मैरिनेशन करना है। यहाँ पे सॉल्ट, ये है देगी मिर्च पाउडर, ये है नींबू और लेमन जूस, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और वो है रिफाइंड तेल, ठीक है। चलो अगला मैग्नेशन क्या है वो आप लोगों की तैयारी कर देते हैं, फिर इसको फ्रिज से निकाल के इसमें सेकंड मैग्नेशन करेंगे। चलो भाई सेकंड मैग्नेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये है गाइस गरम मसाला और ये है सरसों आयल, ये है चाट मसाला, ये है रोस्ट की कसूरी मेथी गाइस, ये है जीरा पाउडर, ये है ब्लैक सॉल्ट, ये है लेमन जूस, ये है गाइस कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च पाउडर, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है गाइस वाइट सॉल्ट, और ये है गाइस दही। दही की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि दही का ज़्यादा इसमें यूज़ होगा। तो गाइस अभी जो चिकन है वो फर्स्ट मैरिनेशन करके इसमें रखा हुआ है, उसके बाद अभी निकालेंगे तो सेकंड मैरिनेशन करेंगे और गाइस फुल मज़ा आने वाला है। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि चूल्हा इतना शानदार मैंने बनवाया हुआ है, तंदूर वाला जिसको चूल्हा बोलते हैं, क्योंकि मैंने खुद घर पर बनवाया हुआ है उसको। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, रेडीमेड नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं सोचा भाई ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं घर पे बनवा लिया, ठीक है। तो अभी रोस्ट करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। सब मैरिनेशन हो गया, मतलब सारा रखा गया है सब, ये भी ऑयल में गरम करके सब हो गया, और हमारा जो होल चिकन है गाइस ये भी 30 मिनट से ऊपर तक फ्रिज में रखा गया था। सो अब ये सारा मसाला अप्लाई करना है एक में, तो चलो इसको करते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं ऊपर तंदूर जलाते हैं गाइस, ओके। सो गाइस दोनों मैरिनेशन हमारी हो गई है रेडी, चिकन होल चिकन पे पूरा अप्लाई हो गया एज यू कैन सी। सो गाइस अभी इसको डालेंगे फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए, जब तक ये फ्रीज़र में ठंडा होगा ये मसाला पकड़ेगा पूरा, तब तक हम चलेंगे ऊपर तंदूर में कोयला लगाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको फ्रिज में डाल देते हैं,
इधर देखो, ये गाइस गया हमारा तंदूरी चिकन। तो चलो ऊपर चलते हैं गाइस। ओके तो भाई इधर है अपना तंदूर, देख सकते हो। और गाइस ये घर पे बनवाया हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा था, इसको मिला नहीं। पकड़ो ये। तो गाइस आज इसमें हम करेंगे अपना चिकन रोस्ट। अबे बहुत मज़ा है यार। तो गाइस देख लिए मेरा तंदूर कितना प्यारा है, ये आप लोग देख ही सकते हो। तो इसमें दिखा दो भाई, ये मैंने डाल दिया है जलाने वाला। तो पहले इसको जला लेते हैं, फिर उसके बाद कोयला डालेंगे ऊपर से, ठीक है। तो गाइज हमारा कोयला आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से एकदम लग गया कोयला, जैसी आँच चाहिए रोस्टिंग के लिए वैसी हो गई है। और हमारा जो चिकन है और मसाला जो अप्लाई किए थे वो भी आ गया ऊपर, ठीक है। सो अब उसमें लगाएंगे, रोस्टिंग में लटका देंगे, वो पूरा रोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग देखो। तो गाइज आप लोग देख ही सकते हो मैंने इसको तार में बांध दिया है, अब फुल इसमें ऐसे ही लटक जाएगा। सो इस पर पहले सूगा लगाएंगे, एक सूगा में बांध के इसको लटका देंगे ताकि इस पर रुका रहे, ठीक है। लटकाने लायक फांसी पे लटक गए हैं दोनों। अब इसको डालते हैं गाइस तंदूर के अंदर। ये गाइस देख सकते हो गाइस ये पूरी तरह से लटक गया है इसमें। ये भाई बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्यारी, देख सकते हो। इसको ढक देते हैं, अब मिलेंगे भाई तुमसे 10-15 मिनट बाद। A few inches later. सो गाइज हम लोग 20 मिनट बाद निकाल लिए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। सो इसके अंदर का जितना भी पानी वानी था सब सूख गया है। अब इस पर थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे, बटर अप्लाई करने के बाद फिर उसमें डाल देंगे, ठीक है। इस पे सो गाइज हमारा चिकन तंदूरी पूरी तरह रोस्ट हो गया है, ठीक है। और गाइज ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूप आ गई है, चलो चलते हैं अब नीचे। चिकन रोस्ट हो गया आप लोग जैसा कि देख ही सकते हो, ठीक है। तो चलो अब लेके चलते हैं नीचे, आपसे नीचे ही मिलेंगे। बहुत ही तेज़ धूप है गाइज ऊपर। ओके चलो चलो गाइज शुरू करते हैं। यार देखो ओ भाई फिर ऊपर ये चेक करें गाइज, ये क्या चीज है, चीज तो बढ़िया है, चीज बढ़िया है। तुम बोलो चीज तो बढ़िया है। हाँ। तो गाइस दूसरी लेग पीस मारते हैं, ठीक है, पकड़ो। यहाँ दिखाओ, करीब करीब, बहुत मेहनत की हम लोग गाइस। ये चेक करें ये, अरे गाइस पोपट हो गया, ये देखो पोपट हो गया, मुर्गी की टांग टूट गई। गाइस चीज चेक करे, चीज वाव, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने चिकन तंदूरी खा ली पूरी तरीके से। और पीछे देख सकते हो अभी खाना पीना चल रहा है गाइस। गाइस यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी तंदूरी चिकन बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हुई थी, जिसका कोई जवाब नहीं है। बस मैं ही जानता हूँ, और जो लोग खाएंगे वही जानते हैं। सो गाइस ये वीडियो कैसा था एक बार प्लीज़ यार कॉमेंट करके, प्यारा सा कॉमेंट करके बता देना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, मैं गाइस 7 बजे सुबह से लगा था, और गाइस मेरे पीछे टाइम देख सकते हो क्या हो रहा है, पूरा 1 बज गया है गाइस, ठीक है। सो गाइस आज का ये जो ब्लॉग था यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो आई विल मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। ओके चलो शाटो, क्या जो नहीं समझा वो मत समझे। अबे ये क्या बोल रहा है, जो नहीं समझा वो मत समझे।
चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो शॉट हो बाय। यही तेरा स्कूल यही तेरा ट्यूशन, बकरी है साले तू खाता है लूसन, डीएम में नर बने सामने तो मुंह बंद, छोटे तू इतने मारता है क्यों बंद, आईएसएस तेरी गर्दन अब अलग है, गलत है बॉय सारे अलर्ट है, पलट दे सीन पूरा पलट दे, दुनिया छोड़ अपन ने भेज देनी फलक है, हां 051 मुझे देता है बैक, 021 मेरे बेस्ट है ट्रैक, पफ मार के मुझे हिजी करे।